हमारे पास है इन्फिनिक्स हॉट 30 आई आ चुकी है फोल्डर लगाने के लिए। ये पूरा एकदम टूट चुका है, कस्टमर ने गिरा दिया था। अब इसको खोलेंगे और कैसे लगाया जाता है, कितने में आता है, सब कुछ बताए हुए हैं। अगर आप कि मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो हमारे चैनल को फॉलो करके रखे रहिए। आपको एक से एक बात बता दिया जाता है और रेट भी बता दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले इसको खोलते हैं। खोलने के लिए हमको हल्का पन्नी की ज़रूरत पड़ेगी, जो फाइबर की पन्नी रहती है। आराम से इसमें डाल देंगे किसी भी किनारे से, और जब हमारा ये किसी भी किनारे से हल जाएगा तो आराम से हमको ऐसे ऐसे आराम से इसको हमको खींचना है। ज़्यादा तगड़ा नहीं, हल्का दबा के खींचना है और ये हमारा खुलता चला जाएगा। नहीं तो काफ़ी दुकानदार इसको तोड़ भी देते हैं और ये ख़राब भी हो जाता है। अगर ख़राब हो जाएगा तो आपका पैनल अलग से लगेगा तब आपको, लेकिन ओरिजिनल पैनल जो रहता है ओरिजिनल ही रहता है। देखिए, ये आराम से हमारा खुल गया है। एक है अभी तक खुली नहीं है, नीचे भी सील लगी है और ऊपर भी सील लगी हुई है। अब इसको खोलेंगे हम, इसका नट बोल्ट पूरा। हम नट बोल्ट खोल दिए हैं, अब इसको हम ढक्कन खोलेंगे। यहाँ से जो गोल्डन कलर है, यहाँ से हम गोल्डन वाले को आराम से ऐसे ऐसे उठाएंगे, तब ये खुलता चला जाएगा। देखिए, इतना उठाएंगे, उसके बाद हमको फिंगर को हटा लेना है। देखिए, ये हमारा फिंगर हट गया है, और उसके बाद हमको बैटरी को हटाना है, देख लीजिए। और इसके बाद ये हमारा डिस्प्ले का पत्ता है, इसको हटाएंगे, और ये हमारा नीचे का ये रहेगा, इसको हटाना पड़ेगा। चार्जिंग बोर्ड में जो लगा रहता है पत्ता, ये सब हमारा डिस्प्ले में ही रहता है। इस बैटरी को आराम से निकाल लेंगे, ये हमारी बैटरी निखर गई है, और इसके नीचे से आराम से हम फोल्डर को अलग कर देंगे। ये हमारा फोल्डर अलग हो गया है, तो हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे ताकि इसमें कोई भी कचड़ा, कोई भी मिट्टी या कोई भी किरकिरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा डिस्प्ले टूटने का डर बना रहता है। हम केमिकल को लगा देते हैं एकदम आसानी से। आने से पहले हमको इसको मोड़ना पड़ेगा हल्का, उसके बाद इस पत्ते को आराम से बोर्ड में डालेंगे, फ्रेम में डालेंगे, उसके बाद आराम से इसको हम बैठा देंगे। ये सब नाम बाई नाम से आता है। और इस पत्ते को बोर्ड में कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा कनेक्ट हो गया है, इसको ऐसे करके बैठा लेंगे, ये हमारा बैठ जाएगा, देखिए। और इस चार्जिंग बोर्ड को हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे इस पर। उसके बाद हम बैटरी को लगा लेंगे, ये हमारा बैटरी लग गई। अब बैटरी को हम कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमको इस पैनल को बैठा लेना है। पहले हम फिंगर को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम बैठा लेंगे। देखिए, हमको आराम से इसको बैठा देना है, आराम आराम से दबाना है, डिस्प्ले पे नहीं दबाना है, डिस्प्ले के किनारे पर दबाना है। अगर डिस्प्ले पे दबाएंगे तो हमारा डिस्प्ले टूटने का डर बना रहता है, देख लीजिए। आराम से हम दबा देंगे, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना चाहिए, आराम आराम से ताकत लगाना चाहिए, नहीं तो डिस्प्ले टूटने का डर बना रहता है। देखिए, ये हमारा लग गया है, नट बोल्ट लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको चालू कर दिए हैं, ये चालू हो रही, इन्फिनिक्स लिख के आ गई है। उसके बाद हमको पीछे का बैक पैनल चपका लेना है। बैक पैनल ज़्यादा कस के नहीं चपकाना है, आराम से चपकाना है, नहीं तो बाद में खोलते समय बहुत दिक्कत हो जाती है। एकदम हल्के से केमिकल लगाएंगे और उसको रख देंगे तो ऑटोमेटिक चपक लेगा। नहीं तो कभी कभी काफ़ी दुकानदार ज़्यादा केमिकल लगा देते हैं, बाद में खोलने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती रहती है, इसीलिए बता रहे हैं इसको ज़्यादा केमिकल नहीं लगाना चाहिए, आराम से चपक जाएगा। से इसको हम ऐसे रख देंगे और रबड़ को लगा देंगे, देख लीजिए, ये पूरा खुल चुका है। पैटर्न हमको पता नहीं है, परफेक्ट पानी एक तक चलेगा, एकदम कंफर्म है, देख लीजिए। और ये मोबाइल चार्ज भी नहीं है, और इसको रबड़ लगा देंगे दो घंटे रबड़ लगा के हमको रखनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा मोबाइल चलाने लायक होगा।
नहीं तो 2 घंटे तक नहीं लबड़ लगाएंगे तो हमारा डिस्प्ले कल्ले उचलने चालू कर देगा और किनारे किनारे से लाइट दिखाई चालू कर देगा। इसी कारण से हमको 2 घंटे तक रबड़ को लगा के रखने पड़ेगी। देखिए आराम से रबड़ को हम लगा देंगे और ये हमारी मोबाइल बन के तैयार हो गई है। ऐसे फोल्डर लगाया जाता है। अगर हमारे चैनल पे नए आदमी हो, नए कस्टमर हो, तो हमारे चैनल को फॉलो करके रख लीजिएगा। मोबाइल के विषय में एकदम छोटी से छोटी जानकारी देते रहते हैं और बताते रहते हैं।